नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं क्लास नंबर 112 यानी 112वें क्लास में बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके बीच में। हमारी प्री नोटिस आज के बारे में आपको मिल चुकी है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी ये चर्चा आज आपके लिए महत्व हो सकती है, हालांकि मैं आज बहुत शॉर्ट समय आपका लूंगा, घड़ी देख करके 15 मिनट, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण विषय मुझे अपने पुस्तक में लिखने हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने रूटीन पर, अपने इस रूटीन पर आपके बीच आ चुका हूं। हमारे कुछ साथी लगातार लाइन पर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तब तक आपसे कुछ जनरल बातें कर लूं। सबसे पहले मिस्टर डॉक्टर सीमा पांडे इलाहाबाद से आ चुकी हैं, नमस्ते कर रही हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र गौड़ जी भी आ चुके हैं, अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी आ चुके हैं, डॉक्टर घनाराम जी भी आ चुके हैं, रमेश चंद जी आ चुके हैं। आप सब लाइन पर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं आप लोगों के आने का। हालांकि आप लोग मेरी घड़ी से अपनी घड़ी मिला लिया करिए, आप पहले ऑनलाइन आ जाया करिए। मैं अगर एक आध मिनट लेट हूं तो चलेगा, लेकिन अगर आप लेट आते हैं तो मेरी पूरी बात को आपको सुनने के लिए रिवर्स करना पड़ता होगा। डॉक्टर विनोद कुशवाहा मकवाने भगवान जी भी आ चुके हैं, जैद नफीस जी आ चुके हैं, डॉक्टर हीरी सिंह, डॉक्टर तिकेश्वर प्रताप, डॉक्टर अमित झा, रंजीत सिंह, बलजीत सिंह जी आ चुके हैं, क्षमा कीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि अब क्लास को शुरू किया जा सकता है। श्याम सुमन, आप सब नमस्कार कर रहे हैं, आप सबका नमस्कार। मैं एक बार आप सब से हाथ निवेदन करके, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है कि एक दूसरे को प्रणाम हाथ जोड़ के करना चाहिए, तो मैं आप सबका नाम स्वीकार करता हूं। आज हमारे चर्चा का विषय है, अब नाम आप सब लाइन पर आते रहें, मैं कोशिश कि आप लोगों के नाम बीच बीच पढ़ता रहूं। मोहम्मद अफजल अंसारी जी भी आ चुके हैं, कैसे हैं आप सब, मैं समझता हूं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर, आर एस राठौर नगरी से स्वागत कर रहे हैं। मथुरा वैसे भी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और एक प्रेम का प्रतीक स्थल भी है। महेश बौद्ध जी भी आ चुके हैं, देवेंद्र कुमार जी आ चुके हैं, नमस्कार जी। और हरचिंद सिंह जी भी आ चुके हैं, कुदरत खान अलनवर और डॉक्टर विनेश पाल जी, आप सब लाइन पर हैं। श्याम सुमन जी के साथ धनंजय जी, डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी, आप फाइन लिख रहे हैं, चलिए फाइन सर आपका। तो अब आपके नाम को मैं बंद करता हूं और अपनी बात पे आता हूं। हमारे सभी जितने भी साथी इस समय लाइन पर हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, और जो बाद में लाइन पे आएंगे उनका भी स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि अभी मुझे सिर्फ 3 मिनट लाइन पर आए हुए हैं और आप 42 से ऊपर लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। संजय कुमार पांडे रांची झारखंड से, नमस्कार जी। नीरज कुमार अरावल से, वीके साहू, वीके सरकार जी आ चुके हैं, और समीर खान जी भी लाइन पर हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ विशेष कॉम्बिनेशन की। हमने इसके पहले आपको टॉप 10 बताया था। टॉप 10 में हमने उन रोगों की चर्चा की थी जो विशेष मेरे अनुभव से उनके औषधियों पर प्रयोग किया गया था।
इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, हमारा अनुसंधान होता है किसी विषय में, डॉक्टर एस बी सिंह चौहान, अजय कुमार जी, इलेक्ट्रोहोमोपैथ डॉक्टर साहब हैं, वोरा जी आ चुकी हैं बहुत बादल पर, श्याम सुमन जी, बैरागी जी आ चुके हैं, यश के जी भी आ चुके हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं, नहीं तो फिर लगातार ये होगा कि मैं आपके नाम ही पढ़ता रह जाऊंगा। जो एक अनुसंधान होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तकनीकी संस्थान में या किसी भी मेडिकल संस्थान में, जो अनुसंधान होता है वो प्रयोगों पर आधारित होता है। और जब हम मेडिकल में कोई रिसर्च करते हैं तो उस पर भी हम रिजल्ट किसी एक रोग पर बहुत अच्छा। अभी हमारे दिन में एक साथी कह रहे थे कि सर कभी कभी क्या होता है कि मैं एक रोगी को उसी रोग के लिए, किसी एक रोग के लिए दवा दिया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और उसी से संबंधित दूसरा रोगी आ गया, मैंने वही दवा उसको दिया, उसको फ़ायदा नहीं किया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, उसको फ़ायदा नहीं करा लेकिन पहले को फ़ायदा किया था, फिर पांचवें या छठ को फायदा करता है और फिर दो चार को फायदा नहीं करता है। तो यह है क्या? यही तो रिसर्च है। हम जब इस पर खोज करते हैं कि ये कमियां क्यों हुई, लोग अपने लैब में चूहों पर प्रयोग करते हैं, खरगोश पर प्रयोग करते हैं, कुत्ते बिल्ली भेड़ पर प्रयोग करते हैं, और बाद में उस दवा को तैयार करके कहते हैं मैंने इतने कुत्तों पर, इतने चूहों पर प्रयोग किया। हमारे एक इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बड़े युवा साथी हैं जो लगभग इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बहुत दिनों तक सक्रिय रहे, हालांकि अब उनकी सक्रियता बहुत कम दिखाई पड़ रही है, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजी हो गए हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने अपने लैब के लिखा कि मैंने इस चूहे पर यह टेस्ट किया, मैंने इस चूहे पर यह टेस्ट किया, इतने दिन बाद इतने चूहे पर टेस्ट किया और उसको मुझको परिणाम ये मिला और अब मैंने इस बात को सिलेक्ट कर लिया। परिणाम चूहों पर टेस्ट करने के बाद बनता है। हमारी अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी, तमाम वैक्सीन बनाती हैं, तमाम तरह के दवाएं बनाती हैं, तो वो पहले छोटे जानवरों पर प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये है कि ह्यूमन बॉडी पर जब हम उसका प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोहोमोपैथी, अभी इलेक्ट्रोहोमोपैथी इतनी विकसित प्रणाली नहीं है कि हमारे पास इतने संसाधन हो। मैंने गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मान्यता के लिए इतने कड़े मानक क्यों बना रहे हैं? जब आपने आयुर्वेद को, होमोपैथ को, यूनानी को मान्यता दिया था, तो क्या उस समय आपने इतने कड़े मानक बनाए थे? आपने उस समय भी उनको रिसर्च करने का मौका दिया था, आपने उनको सीमित संसाधन में काम करने का अवसर दिया था, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मान्यता के लिए आप इतने कड़े नियम क्यों बना रहे हैं? हमको भी अपना पैर रखने के लिए इस चिकित्सा के दौड़ में, हमें स्थान बनाए रखने के लिए, हमको भी अभी वर्तमान के सीमित संसाधनों में ही प्रयोग करने की अनुमति दी जाए और हमारी इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी जाए। हालांकि उस पर कोई जवाब हमें नहीं मिला और मैंने बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा भी, काफ़ी दिनों तक, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि ये यूट्यूब पर लोड होगा वीडियो, तो यूट्यूब पर जब ये वीडियो हमारा लोड होता है तो निश्चित रूप से देश का हर कोना इसको सुनना चाहता है, देश के बाहर भी लोग सुनते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से, अपने FB आईडी के माध्यम से मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी के सीमित संसाधनों में हम जो प्रयोग करते हैं, हम जो अनुसंधान करते हैं, वो हमारा अनुसंधान यही होता है कि हम जो दवा रोगी पर देते हैं किसी रोग के लिए, अगर वो कारगर साबित होती है तो हम उसे अपने तक सीमित ना रखें। हम अपने उन तमाम अनुसंधान केंद्र का जो बोर्ड लगा के इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जब आप कोई प्रयोग करते हैं तो आप उस प्रयोग का को अपने साथियों के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अनिल श्रीवास्तव ने अगर किसी रोगी पर कोई दवा दिया और वो, मैंने उस डायरी में नोट किया कि ये फार्मूला इस रोग के लिए कारगर साबित होता है, तो मैं आपको वो फार्मूला बताता हूँ, हमारे देश के को फॉलो करते हैं, परिणाम को फिर हमें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो उद्देश्य था, जो मेरा रिसर्च था, जो मेरी खोज थी किसी रोग के बारे में अपनी औषधि के फार्मूले को बनाने की, वो सफल हुई। और जब हम उस फार्मूले को सफल कर लेते हैं तो फिर उसको हम किसी भी रोगी को दे सकते हैं। कि मैंने आपको ल्यूकोडर्मा का कोई फार्मूला बताया, तो ल्यूकोडर्मा पे हो सकता है मैंने दो चार रोगियों पर आजमाया हो और मैंने उसको सफल मान लिया, और मैंने सफल
नहीं माना, अगर मैं सफल मानता तो मैं आपसे प्रयोग करने लेना कहता, सीधे कहता इसका फार्मूला ये है। मैं सदैव अपने बात में ये कहता हूं कि आप इस, मैंने आजमाया है, आप भी आजमा के देखें। और जब आप इस बात का प्रमाण देते हैं कि सर आपका फार्मूला बहुत अच्छा है, अभी मैं दिन में डॉक्टर यस के भारतखंडे महाराष्ट्र के हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, यस के खंड खंड खंडे हैं, उन्होंने कहा सर आपका सीएनएस मैंने विभिन्न प्रकार के रोगियों पर दिया, और सीएनएस का जो मल्टीवर्क है वो शायद प्रैक्टिस के द्वारा ही आएगा, शायद सीएनएस का उपयोग करना हमारे अभी साथी सीख नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सर मैंने 100 से 150 रोगियों पर इस सीएनएस का प्रयोग विभिन्न तरीके से किया, किसी को मेंटल प्रॉब्लम थी, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, किसी को नींद नहीं आती थी, और उन्होंने तो एक ऐसे रोगी का बयां किया जो पिछले 4 साल से नींद की गोली खा के सोता था, उसको उन्होंने सीएनएस से सुलाना शुरू कर दिया, और कहे सर सीएनएस जब वो लेता है तो आराम से पूरी। तो यही तो है प्रयोग, यही तो है रिसर्च, इसी को तो हम एलोपैथी में कर सकते हैं। यानी मेरे किए गए कार्यों को आप आगे बढ़ाते हैं और उस आगे बढ़ाने वाले परिणाम को आप, तो मुझे भी प्रसन्नता होती है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक नया रास्ता भी खुलता है। ठीक उसी तरीके से आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जो विभिन्न रोगों पर या विभिन्न हमारे ऑर्गन वाइज सिस्टम पर कैसे काम करती है, अगर आपके पास समय है तो नोट कर लें। चलिए कॉम्बिनेशन नंबर वन, आज मैं रोग नहीं बताऊंगा कि इस रोग पर यह दवा दें, आज मैं आपको मेडिसिन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन वन नंबर वन में हम आपको बता रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन में हमारा सीएनएस आप स्वतः जोड़ लीजिएगा, यानी सीएनएस एक अंडरस्टूड कॉम्बिनेशन हमारा है। पहला हमारा है S5A1 और WE। S5A1 VEN1 WE, ये 4 औषधियां हैं। इन 4 औषधियों की बराबर मात्रा, अब बराबर मात्रा में रोगी आपके सामने होगा, उसको बूंद देना है कि 5 बूंद देना है कि 20 बूंद। तो S5A1 VEN1 और WE, ये आपको अगर आप ये 4 दवाएं मिलाते हैं तो इसका इफेक्ट आपको विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर पड़ेगा, मस्कुलर पर पड़ेगा, ब्लड सेल्स पर पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव है, नर्व का प्रभाव है, और म्यूकस पर इसका प्रभाव है। यानी इतने सिस्टम पर ये हमारी 4 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेंगी। तो इतने सिस्टम से संबंधित अगर रोगी की शिकायत आपको मिलती है तो आप इन 4 दवाओं का सेक्शन, उसके पहले हमारे जो 3 फार्मूले हैं L2 L3 और CS, वो आपका एक्स्ट्रा फार्मूला हो जाएगा इसके साथ, यानी ये आपका फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा, और उनमें से अगर आप कोई फार्मूला सेट करते हैं तो वो आपका फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा। रोगी को देने की परंपरा, देने का तरीका आपका होगा। कॉम्बिनेशन नंबर 2 A3 S5 और G, फिर से नोट करें A3 S5 VEN1 और जी, अगर आप ये 4 फार्मूले मिलाते हैं तो मेल और फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको दिखाई पड़ती है या आपको लगता है कि इस तरह की परेशानी दिख रही है तो आप इस फार्मूला प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो बोन प्रॉब्लम होगी, बोन के ज्वाइंट्स में अगर कोई दिक्कत है, बोन के जिसको हम कह सकते हैं बोन स्लिप कर जाना, वहां पर अगर कोई दिक्कत है आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 3 S1A1 WE, S1A1 WE, अगर ये 3 कॉम्बिनेशन आप मिलाते हैं तो ये लिम्फ नोड पर, वैस्कुलर सिस्टम पर और पेन डिस्क पर, जहां पर हमको पेन की कहीं पर भी स्वेलिंग हो या पेन में दिक्कत हो, पेन हो रहा हो या सूजन हो, एक्यूट के लिए ये सारे, सॉरी ये सारे क्रॉनिक के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्यूट के लिए फार्मूले यूज नहीं करेंगे आप, ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रॉनिक फार्मूले हैं, ये कॉम्बिनेशन फॉर क्रॉनिक डिजीज। तीसरा है आपका, चौथा कॉम्बिनेशन नंबर 4 C17 VEN1 और जी, फिर से नोट करें, S2 C17
C17, Ven1 और G, अगर ये चार कॉम्बिनेशन आप इकट्ठा करते हैं और इसमें आप CNS या L3 लगा देते हैं तो आपका यूरिनरी ट्रैक कंप्लीट, कुटेनियस और सब कुटेनियस मसल्स पर, मस्कुलर पर, हमारे शरीर में निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो वर्ट होते हैं, मस्से होते हैं, उन पर इसका अच्छा काम दिखाई पड़ेगा। ग्लीट पर, जिसे आप सुजाक रोग कहते हैं, उस पर भी आपको इसका प्रभाव अच्छा दिखेगा, यानी यूरिनरी ट्रैक के आसपास होने वाले विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन पर, यूरेथ्रा के इन्फेक्शन पर, स्वेलिंग पर, पेन में ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन नंबर 5, S1, L1, F1, VAR1 और WE। एक बार फिर नोट कर लें, S1, L1, F1, VAR1 और WE। डॉक्टर VDR ओम प्रकाश जगदले लिख रहे हैं, CNS के साथ S5 Ven1 बताए हैं सर, तो एक रोग में दो बार देने का क्या मतलब है? सवाल आपका बहुत सही है। देखिए, पहले तो अब मुझे ये यहां पे रोक अपने आप को रोकना पड़ेगा फार्मूले के लिए। पहले मैं इस फार्मूले पे चर्चा कर लूं जो मैं आपसे बता रहा था। हमने आपको बताया S1, L1, F1, VAR1 और W1, WE। ये आपका लिम्फ नोड पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, लंग्स पर, लीवर पर, जर्मिसीडियल नर्वाइन पर, लिम्फोगैंग पर, विभिन्न प्रकार के जटिल समस्याओं पर ये कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। अब मैं जरा डॉक्टर DR ओम प्रकाश जगदले की बात कर लूं। डॉक्टर साहब ओम प्रकाश जी, जो हमारा फार्मूला कॉम्बिनेशन आता है, जैसे हमारा L3 है, हम L3 को S2 L1 A3 जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है L3, सॉरी फिर से सुन लीजिए, S2 L1 और A3 जब हम मिलाते हैं तो वो हमारा बन जाता है L3। तो जब L3 के रूप में हम उसको देखते हैं, ना कि हम S2 L1 और A3 के अलग अलग मानकों में देखते हैं। ठीक उसी तरह प्रकार से जब हम CNS बनाते हैं तो CNS में हमारी जो मेडिसिन मिली हुई है वो मेडिसिन एक आपस में मिलने के बाद एक मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका हम नाम CNS देते हैं। तो फिर हमको उसको इस रोग रूप में नहीं देखना है कि इसमें S5 पड़ा है तो हम अलग से S5 ना दें, क्योंकि वो S5 का कॉम्बिनेशन वहां पर अलग हो गया। उनका फार्मूला हमने सेट कर दिया कि यहाँ पे पांच पांच ड्रॉप हमने छह दवाओं को मिला दिया तो 1/6 का रेशियो उनका मिल गया, जैसा कि मैंने आपको कल डोजोलॉजी में बताया था। तो जब हम CNS को यूज करते हैं तो CNS को CNS नाम से आप समझ लें कि CNS वो 1/5 में आपको S5 मिलेगा। और जब हम यहाँ पे S5A1 Ven1 का फार्मूला अपना रहे हैं या S1 Ven1 फार्मूला दे रहे हैं, तो ऑलरेडी ये S1 और Ven1 अलग अलग मात्राओं में जा रहा है, इसकी क्वांटिटी हमारी अलग हो रही है। तो ये क्वांटिटी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी जाकर के उस मेडिसिन की, लेकिन वहां पर जो हम CNS में जो S5 या Ven1 दे रहे हैं वो हमारा एक फिक्स रेट है, एक कॉन्स्टेंट रेट है। वो कॉन्स्टेंट रेट हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर में या हमारे नर्वस सिस्टम में कॉन्स्टेंट रेट के हिसाब से ही गति करेगा। इस नाते आपका सवाल भी सही है और उस सवाल कारण होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बात तमाम लोगों के दिमाग में आती होगी कि CNS में S5 मिला तो एक्स्ट्रा C S5 देने की क्या जरूरत है। उसको आप ऑलरेडी CNS मान के चलिए, ना कि उसमें S5, फिर आप उसके अंदर मत झांकिए कि उसमें क्या क्या मिला है। आप उसको एक दवा मान लीजिए, जो भी कंपाउंड मेडिसिन है, चाहे वो Ven1, Ven2 है, Ven3 है, Ven5 है, या S9 है, या आपका S8 है, जो भी कंपाउंड मेडिसिन है, फिर उसको एक मेडिसिन मान के चलिए। क्योंकि ये तो अलग बात है कि जैसे हमने मान लिया हमने C7 दिया तो C7 में C5 और A2 मिला हुआ है, लेकिन वो हमारा उसका काम, हमने उसको अगर उसका अलग अलग हमको काम देखना होता तो हम दोनों मेडिसिन को आपस में यूज करके एक देते। हम इसीलिए उसका नाम अलग अलग दिया गया है, इसीलिए उसको C7 कहा गया। उसमें C5 और A2 मिलाया जरूर गया, लेकिन दोनों का रेशियो को मिला करके फिक्स कांस्टेंट रेट कर दिया गया। अतः जो भी
जो कंपाउंड मेडिसिन बनती हैं, कंपाउंड मेडिसिन को कंपाउंड मेडिसिन के दृष्टिकोण से देखा जाए, ना कि उसके अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट के रूप में देखा जाए। और ये शायद कन्फ्यूजन कई लोगों के साथ था, इस नाते मैंने इसको क्लियर कर दिया कि आप किसी भी कंपाउंड फार्मूले को केवल कंपाउंड के नाम से ही देखें कि हमारा एक एक ये दवा है बस, उसके अंदर के फार्मूले पे आप मत जाएं, क्योंकि वो फार्मूला अगर आप टैली करेंगे तो बाहर अगर एक्स्ट्रा हमको S5 देना पड़ा तो आप नहीं देंगे। जो सिस्टम मैंने आपको बताया वहां पे अगर S5 की जरूरत है तो S5 आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा बाहर से। आइए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 6, F1 S5 P1 WE। ये हमारा लीवर पे और विभिन्न प्रकार के फीवर, घटते बढ़ते विभिन्न प्रकार के फीवर, इंटरमीडिएट फीवर, रुक रुक के आने वाले बुखार, ट्यूबर क्लोसिस के फीवर, मलेरिया के फीवर, जितने प्रकार के फीवर हो, अगर हम इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, यानी F1 C5 P1 और WE। अब ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप हर जगह CNS का फॉर्मूला नंबर 1 या 2 या 3 मिलाएंगे। CNS की आवश्यकता आपको लगभग हर रोगी के साथ पड़ती है, तो जब हमने ये फार्मूला आपको अलग कर दिया है तो CNS आप एक्स्ट्रा एक अलग CC में आप देंगे, और CNS को अगर इसको आप दिन में 4 बार खिला रहे हैं तो CNS को आप सुबह शाम दे दीजिए, कुल रोगी को आप देने के लिए एक साइड मेडिसिन हो जाएगी। श्याम सुमन जी लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 रिपीट प्लीज सर। कॉम्बिनेशन नंबर 4 अब मुझे सीरियल से याद नहीं कि मैंने कौन सा बोल दिया, या तो आप थोड़ा सा इंडिकेट करें कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन फिर से चाह रहे हैं। आइए कॉम्बिनेशन नंबर नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, शायद मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन नंबर 7 है। कॉम्बिनेशन नंबर 6 और 7 दोनों ही इंटरमीडिएट फीवर के लिए अलग अलग रूटीन पर हैं, विशेष करके ये ट्यूबरक्लोसिस और लंग्स की जो प्रॉब्लम है मैं उसके लिए ये कॉम्बिनेशन आपको दे रहा हूँ। लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो ये फार्मूला, यानी A1 C5 P2 और B, फिर से सुन लें, A1 C5 P2 और B, ये फार्मूला आपको हर प्रकार के ट्यूबरक्लोसिस के में लंग्स के इन्फेक्शन, लंग्स के सेल्स के डैमेज होने के लिए, एल्वियोली को कंट्रोल करने के लिए, एल्वियोली के इन्फेक्शन को रोकने के लिए और ट्यूबरक्लोसिस से होने वाले फीवर के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। हमारा नंबर महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं S2C17 Ben1, ये हमारा कॉम्बिनेशन नंबर हमने आपको बताया था, इसमें क्या रिपीट करना है, आप सही तो चल रहे हैं, S2C17 Ben1 और G, आप इसमें G और लगा लें क्योंकि G आपने छोड़ दिया है। S2C17 Ben1 और G, ये आपका यूरिनरी ट्रैक के लिए कंप्लीट माना जाएगा। अगला देखिए कॉम्बिनेशन नंबर 8, C5 P2 Ven1 और G, ये आपके लंग्स के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए और ऑल टाइप्स ऑफ लंग्स इन्फेक्शन के लिए, यानी लगभग आपका फार्मूला नंबर 6, 7 और 8 ये तीन लंग से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से, या हम ये कह दें कि हमारे लैरिंजियल ट्रैक से या नेजल ट्रैक से, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, लंग्स, इन सब में होने वाले विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के लिए आपके पास एक बहुत ही सटीक और जानदार फार्मूला है, यह है C5 P2 Ven1 और G। कॉम्बिनेशन नंबर 9, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लें, S5 L1 A1 C5 WE। अगर आप ये 5 औषधियों का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो ये काम कहाँ करेंगे, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर, ज्वाइंट मस्कुलर पेन पर, लिम्फैटिक ग्लैंड्स पर, गट पर, आर्थराइटिस पर, लेप्रोसी पर,
हार्डनेस ऑफ आर्टिकुलेट, जहाँ पे पर कहीं पर हार्डनेस है, फोड़ा बन गया है और कठोर बन रहा है, कड़ा हो रहा है, और ऑल टाइप्स ऑफ अल्सर, वो अल्सर आपका इंटेस्टिनियल ट्रैक में हो या आपके इंटेस्टाइन में हो या हार्ट में हो, अगर अल्सर बन रहा है तो वहाँ भी ये फार्मूला काम करेगा। अगर बॉयल्स या कोई फोड़ा बन रहा है, कड़ा हो रहा है, उसमें टाइटपन है, टाइटनेस है, तो वहाँ भी ये काम करेगा, उसको मुलायम करने के लिए, उसको गलाने के लिए। लिम्फैटिक नोड, तमाम तरह के आपके गले में और आपके कान के आसपास तमाम लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर ये काम करेगा। टॉन्सिल में होने या मम्स के होने में, जो गले में आपके दर्द होता है, वहाँ ये काम करेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 10, डॉक्टर संजय शर्मा के पास प्रेमचंद मौर्या। डॉक्टर संजय शर्मा के पास का मतलब मैं नहीं समझ पाया, चलिए आपने लिखा है, हो सकता आप उनके पास बैठ करके हमारा ये क्लास सुन रहे हो। प्रेम नारायण मौर्या जी भी हैं और श्याम सुमन जी ओके कर रहे हैं। हमारा एक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए या स्टमक से संबंधित सभी रोगों के लिए एक जनरल कॉम्बिनेशन हमारा है, वो है यस A3 C5 और G। ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे स्टमक के डिसफंक्शन को कंट्रोल करता है, और पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर बनने की है, उस पर ये नियंत्रण करता है। इसको आप फिर से सुन लें, S1 A3 C5 और G, ये चार आप मिलाएंगे तो इसके साथ अगर आपको L2 या L3 में एक चुनना पड़ेगा, अगर इन एलिमेंटल में या हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप L2 और L3 में, अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम आपको लगता है गड़बड़ है तो आपको L3 चुनना है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो वहाँ पे आपको L2 चुनना है, और उसके साथ ये फार्मूला आपको लगा देना है। हम बात कर लेते हैं जल्दी से दो और कॉम्बिनेशन की, चूंकि मैंने 12 की नोटिस दी थी तो अभी मैं 10 पर पहुंचा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 11, C5A2। अब C5A2 आपका C7 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग आपको बता रहा हूँ, C5A2 और G, ये तीन आप दे दीजिए तो आपके पाइल्स, ब्लाइंड पाइल्स, ब्लीडिंग होने वाले पाइल्स या हर प्रकार के पाइल्स में आपका ये बहुत ही सटीक और रामबाण फार्मूला है। C5A2 और G, ये आपका विभिन्न प्रकार के पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में ये काम करेगा। अब कॉन्स्टिपेशन में नहीं पर काम करे, कॉन्स्टिपेशन आपको L3 S10 और थलास देना ही देना है, उसके साथ पाइल्स के जो लक्षण आ जाते हैं वो उसमें इसकी देना है कि जहाँ पे दर्द हो या पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आपको इसको चेक करना पड़ेगा। और आज का कॉम्बिनेशन नंबर लास्ट यानी 12, हम फिर आपसे ऐसे 12-12 10-10 कॉम्बिनेशन उठाएंगे, और मेरा लक्ष्य है कि मैं कम से कम आपको 50 कॉम्बिनेशन के फार्मूले बता दूं। हमारा अंतिम आज का टॉपिक है बेन वन और जी, ये आमतौर से मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर, विशेष करके गोनोरिया पर और सिफिलिस पर हमने इसका कई प्रयोग किया है, आप भी प्रयोग करके देखें। तो हमने ये कॉम्बिनेशन आपको इसलिए बताया कि ये हमारे 36 वर्षों में विभिन्न प्रकार के परेशानियों में, विभिन्न प्रकार के रोगों में हमने इसको आजमाया है कई रोगियों पर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसको आजमाएं और आजमाने के बाद इसका परिणाम हमको बताएं, जिससे हमारा ये रिसर्च वर्क पूरा हो। हमारा यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का रिसर्च इलेक्ट्रोहोमोपैथी में यही है कि मैं प्रयोग करके आपसे अन्य रोगियों पर प्रयोग करने के लिए निवेदन करता हूँ, और उसका जो आप परिणाम बताएंगे वो मेरा रिकॉर्ड बनेगा कि मेरे इतने साथियों ने इतने रोगियों पर इसका प्रयोग किया, इस नाते ये फार्मूला बिल्कुल सटीक है। अभी मैं इन फार्मूलों के बारे में श्योर तब बनूंगा जब आप इसका परिणाम हमको बताएंगे। जैसे आप हमारे सारे फार्मूलों पर आप उत्साहित करते हैं कि सर आपका ये फार्मूला अच्छा है, तो आप उसी तरीके से इस फार्मूले को, डॉक्टर हरीश चंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ल्यूकोडर्मा का फार्मूला बताएं। देखिए अभी मैं किसी रोग के फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, आप हमारे इस आस को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया है सिस्टम वाइज, ये कॉम्बिनेशन किसी रोग पर नहीं, उस सिस्टम से संबंधित हर रोग पर काम करेगा। तो जैसे मैंने लेप्रोसी के लिए आपको बताया, ग्लैंड म्यूकस के लिए मैंने आपको बताया, तो आप उस फार्मूले को का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस समय लगभग 75 से अधिक लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं। आप सब ने हमारे इस क्लास को बड़े ध्यान से सुना है। एक बात मैं आज आपसे चलते चलाते ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सब ने, हमारे कई साथियों ने हमको लिख के भेजा कि सर इस तरह डिवाइड करिएगा लोगों को किताब में लिखने के लिए, इस तरह डिवाइड करिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिखिएगा आप, पहले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो लोग पहली बार लाइन पर हैं वो नोट कर लें कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9793252355, 97-93-25-23-55, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी और कॉलिंग नंबर भी है। मैं आपसे ये चाहूँगा कि क्या अंग्रेजी भाषा में, या ये कहें कि अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान में या एलोपैथी में, जो विभिन्न प्रकार के रोगों की एक श्रृंखला बना दी गई है, उस रोग के श्रृंखला के महाभारत के आधार पर, यानी महाभारत का तात्पर्य होगा कि उसमें रोगों की संख्या, रोगों के नाम असंख्य हैं, तो अगर मैं अब उन रोगों के बारे में अपनी किताब में चर्चा करता रहूंगा तो मेरी किताब पूरी कब होगी? मैं ये चाहता हूं कि कुछ मुख्य मुख्य रोगों को मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूं, बाकी मैंने दवा बनाने का तरीका, रोगों को सेलेक्ट करने का तरीका, फार्मूले को तब बनाने का तरीका, ये सब मैंने किताब में डाल दिया है। अपने विशिष्ट प्रकार के कॉम्बिनेशन, विभिन्न प्रकार के पैथोलॉजिकल टेस्ट, आप कैसे उसका जज कर लेंगे कि किस रोग की तरफ इसका इशारा है या किस अंग की तरफ इशारा है। फार्मेसी में भी मैंने थोड़ा सा टच किया, फार्मेसी में वो पोर्शन टच किया जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोहोमोपैथी के दृष्टिकोण से एक छोटे से लैब की आपको ज़रूरत पड़े और आप वहाँ पे उसका उपयोग कर सकें। दवा बनाने के तरीके मैंने बात किया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये मांग करते हैं कि नहीं कि आप हर रोगों पर आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपनी किताब में लिखें, तो फिर उसके लिए तो मुझे भी एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी, और रोगों की संख्या अनंत है तो फिर मेरे लिखने का समय भी अनंत हो जाएगा, फिर आप 11 जनवरी को मेरी पुस्तक अपने पास नहीं पाएंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब मैं पुस्तक को बंद कर दूं लिखना और फिर मैं उसको प्रिंट करा के आपके हाथ में दे दूं, तो उसके बाद फिर मैं आपकी सलाह लूंगा कि क्या आपको इसके बाद किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता है या अन्य डिटेल की आवश्यकता है, तो वो मेरे नेक्स्ट एडिशन में, जब मैं इस किताब का दूसरा एडिशन प्रेस में से निकालूंगा, तो उसमें या तो ऐड कर दूंगा या तो फिर उसका वॉल्यूम नंबर 2 निकाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब ये हुआ कि एक लिमिट समय में 3 महीने 4 महीने में वो इतनी अच्छी या उतनी ज़्यादा मोटी किताब लिखेंगे तो कितने रोग पर हम लिखेंगे। हर अंग पर कम से कम 50 रोग हैं, आंख में आंख से संबंधित 50 से या 100 रोग से अधिक संबंधित होंगे, आपके ब्रेन से संबंधित लगभग सैकड़ों रोग होंगे, आपके पाचन क्रिया से संबंधित सैकड़ों रोग होंगे, तो हम कितने रोगों की व्याख्या उसमें करेंगे? इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रोग की डिफिनेशन एक है, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, तो इस नाते मैंने आपको अपनी पुस्तक में इस बात का बताने का प्रयास किया है कि दवाओं को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे रोगी को आप देंगे, और जब आप दवाओं के सेलेक्ट करने के फार्मूले पर अपने आप को मर्मज्ञ कर लेंगे, अपने आप को एक ट्रेंड फिजिशियन कर लेंगे, तो जब आप ट्रेंड फिजिशियन हो जाएंगे तो फिर रोग कोई भी हो, अंग्रेजी के नाम से आपको तो ऑर्गन सेलेक्ट करना है ना रोगी के कंप्लेंट पर, तो ऑर्गन वाइज सिलेक्शन करने के उस तरीके को मेरी किताब को देखिएगा। जो लोग किताब को पा करके ये निराशा अपने आप में कहें कि डॉक्टर साहब ने मूर्ख बना दिया, इसमें ये रोग तो लिखा नहीं, इसमें ये रोग तो लिखे नहीं, मैं इसकी दवा कैसे दूं, तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की चिकित्सा में अपना मन नहीं लगा रहे हैं, वो एलोपैथी की चिकित्सा में अपना मन लगाना चाहते हैं कि मैं उनको पका पकाया भोजन दे दूं और वो चम्मच से उठाएं और खा लें। ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ भोजन बना करके मेज पे रख रहा हूं और कुछ मैं आपके बगल में तरीका बता दे रहा हूं कि इसको ऐसे बनाया जाता है, कृपया आप उसको बनाने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि विभिन्न रोगों पर चर्चा और होनी चाहिए, फिर वो मेरे नेक्स्ट एडिशन में आएगा। मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको 11 जनवरी को इस किताब का फर्स्ट एडिशन एक सीमित दायरे में, लेकिन अच्छे दायरे में, अच्छे पेज में आपको मिल सके। अभी दिन में हमारे एक साथी ने PDF डाला था 114 पौधों का, उस पर तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि ये पेड़ गड़बड़ हैं और ये इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम ये नहीं है, मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, तो मैं भी आपको उन पौधों के नाम और उनके चित्र प्रयास करूंगा। कितना सही है कितना गलत इसका आकलन तो आप करेंगे, लेकिन आप इस बात की कमेंट या इस बात की शिकायत मुझसे मत करिएगा कि मैंने अपने किताब में रोगों की संख्या सीमित कर दिया है। मेरा उद्देश्य है आप बनाना, मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं जो आपको बैसाखी देना, अगर मैं रोगों के बारे में दवा लिख दूंगा आप शुरू कर देंगे,
आप हमारी पुस्तक से सिद्धांत समझिए, उसके फार्मूले समझिए, उसको सेलेक्ट करने का तरीका समझिए और इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के असली रूप को जानने का प्रयास करिए। बस इतना ही मेरा उद्देश्य मेरी इस किताब का है। शेष बातें हमारी आपकी फिर होंगी, कल हम कोशिश करेंगे आपसे फिर मिलने की। तो क्लास नंबर 112 से अपने प्यारे दोस्त